सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। मेहनत का फल और समस्या का हल देखने से देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। आज का पंचांग 10 जुलाई 2022 दिन रविवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि, दोपहर 2:40 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 9:55 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:32 से 7:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मकर राशि 10 जुलाई 2022 दिन रविवार, आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। आप विशेष लय में हैं। आज के दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज का दिन परिवार के साथ आराम और मौज मस्ती में व्यतीत होगा। आपके विचारों का आदान प्रदान दिनचर्या को खुशनुमा बनाएगा। घर में बदलाव संबंधित कुछ कार्य भी सुचारू रूप से हो जाएंगे। फर्नीचर आदि खरीदने संबंधित योग भी बन रहे हैं। अपेक्षा के अनुसार हर एक बात होने के बाद भी कोई नकारात्मक खबर प्राप्त हो सकती है। इस कारण आपका हौसला कमजोर हो सकता है। जिस बात पर आप पूरी तरह से निर्भर हैं, उसकी शुरुआत फिर से करनी पड़ सकती है। कुछ बातें आपकी मर्जी के अनुसार होगी और कुछ बातें अन्य लोगों की मर्जी के अनुसार होगी। काम की जगह आने वाले बदलाव आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकते हैं। पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों को नजरअंदाज करना तनाव का कारण बन सकता है। एक्सीडेंट होने की संभावना बन रही है, ध्यान रखें। सावधानियां, बाहरी लोगों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, इसकी वजह से थाने आदि के भी चक्कर लगने की आशंका लग रही है। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजन आपसे सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या को हल करने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार में खुशी भरा माहौल भी रहेगा। माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप इसके साथ यादगार समय बिताएंगे। तिथि आपके पक्ष में है। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपने काम संबंधित सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेगी। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें। यह जल्दी अपने पक्ष में होगा। पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए अनुकूल समय है। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियां द्वारा व्यावसायिक जानकारियां हासिल होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। किसी नए कार्य को शुरू करने हेतु भी रूपरेखा बनेगी। बात करते हैं सेहत की। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घुटनों तथा जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। आज आपका दिन है। आज कईयों की किस्मत पूरी तरह उनके साथ ही है। आपको दोस्त और ऑफिस में खूब प्रशंसा भी मिलेगी। इन सब के बीच अपनी प्राथमिक आवश्यकता यानी सेहत को ना भूलें। समय से और सही खाना खाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप खाने की किसी भी चीज का आनंद ले पाएंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल से धैर्य दे, शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।